अस्सलाम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा चैनल थोड़ा सा डिफरेंट है अनबॉक्सिंग चैनल से, बिकॉज मैं सिर्फ वो प्रोडक्ट्स लेकर आता हूँ जिनमें मैं इंटरेस्टेड हूँ और मैं समझता हूँ कि वो आपको बेस्ट वैल्यू फॉर मनी या परफॉर्मेंस देते हैं। जो प्रोडक्ट्स मैं खुद यूज़ करूँगा वही मैं अपने व्यूअर्स को रेकमेंड करता हूँ। तो 2020 बड़ा इंटरेस्टिंग साल रहा टेक के लिए और बहुत सारे दंजों की तादाद में एंड्रॉइड फोन भी आए, आईफोन 12 भी रिलीज हुए जिनको हमने अपने चैनल पर कवर भी किया है। और मैं लेकिन साल में हमेशा एक ऐसा फ़ोन देख रहा होता हूँ जो आपको हाफ प्राइस में फ्लैगशिप परफॉर्मेंस दे, जिसको टेक की वर्ल्ड में फ्लैगशिप किलर भी कहते हैं। वन प्लस पहले बेताज बादशाह था इस चीज़ का, कुछ सालों में उन्होंने बहुत सारे ऐसे फोन निकाले जो कि हाफ प्राइस में आपको पीक परफॉर्मेंस दे रहे थे और उस साल का जो सबसे पावरफुल चिपसेट था वो उसमें लगा हुआ था। लेकिन अब वन प्लस की एक फ्लैगशिप फ़ोन बन गया और प्राइस भी उनकी उसी रेंज में आ गई। तो आज मैं वो फ़ोन लेकर आया हूँ जो पाकिस्तान की मार्केट में 1.5 से 2 महीने पहले लॉन्च हुआ था और आई थिंक इट इज़ द फ्लैगशिप किलर ऑफ 2020। और 2021 में जब आप इसको लेंगे तो दिस इज़ गोइंग टू बी अ ग्रेट बाय फॉर यू गाइस। एंड दैट फोन इज़ Xiaomi's Mi 10T। ये फ़ोन स्नैपड्रैगन 865 प्रोसेसर के साथ आ रहा है और इट इज़ अ बीस्ट। और टुडे आई एम अनबॉक्स दिस और मैं आपको अपने इंप्रेशन दूंगा कि मेरे क्या ख्याल आते हैं इस फ़ोन के बारे में। अगर आप मिड रेंज फोन लेना चाह रहे हैं, आपका मोबाइल का बजट 50 से 60 हज़ार में, तो आई हाईली रिकमेंड कि आप इस वीडियो को जरूर देखें, बिकॉज दिस इज गोइंग टू हेल्प यू मेक द राइट डिसीजन कि आपके लिए कौन सा सही फोन है। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट द शो। तो दोस्तों, इसको अनबॉक्स करने से पहले मैं आपको इसके कुछ कोर फीचर्स बताता हूँ, जिसकी वजह से मेरा ख्याल है ये सिर्फ आपको वैल्यू फॉर मनी नहीं दे रहा बल्कि ये किसी भी फ्लैगशिप फोन के साथ कम्पीट कर सकता है। में जो प्रोसेसर लगा है वो स्नैपड्रैगन 865 का प्रोसेसर लगा है, एंड्रीनो 650 का GPU लगा है, जो कि 2020 की टॉप ऑफ द लाइन चिपसेट कॉम्बो है CPU और GPU की। इसमें 128 GB की UFS 3.1 स्टोरेज है जो कि फास्टर स्टोरेज है, 8 GB इसमें रैम है। इसमें 64 MP का मेन शूटर है, 13 MP का वाइड एंगल कैमरा है और 5 MP का मैक्रो है जो कि मोस्ट प्रोबली वी आर नॉट गोइंग टू यूज़। ये 8K 30 FPS की वीडियो रिकॉर्ड करता है लेकिन वो सिर्फ 15 मिनट की है और 8K अभी हमारे पास डिस्प्लेज नहीं है, सो इट्स जस्ट एन ओवरकिल। ये 4K 30 और 60 FPS रिकॉर्ड करता है और 1080p 30 से लेके 960 FPS तक रिकॉर्ड करता है। उसके बाद इसमें इमेज स्टेबलाइजर नहीं है लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन है और इसमें 6.67 इंच की 144 हर्ट्ज की IPS LCD लगी हुई है। अब लोग ये कहेंगे IPS LCD जो है इट्स नॉट AMOLED। हम लोग iPhone 11 तक LCDs ही यूज़ करते रहे एंड दिस इज़ अ गुड LCD विच आई हैव सीन एंड हर्ड। अभी हम इसको जब अनबॉक्स करते हैं तो इसकी स्क्रीन को भी देखेंगे, बट आई हैव हर्ड गुड थिंग्स अबाउट द LCD, सो आई डोंट थिंक इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम होगी। सो लेट्स स्टार्ट अनबॉक्सिंग इट। अच्छा जी, हमने इसकी आउटर जो पैकिंग थी उतार ली है, मोस्ट प्रॉब्ली इंटरनेशनल पैकिंग में इस तरह आता है, इसके ऊपर वारंटी लगा के दूसरा रैपर भी चढ़ा जाता है, दैट्स हाउ इट इज पैक्ड। सो लेट्स ओपन द मेन बॉक्स। बॉक्स का साइज नॉर्मल से थोड़ा बड़ा है, सो आई थिंक बिकॉज दिस इज अ बिग फोन। डिवाइस को हम साइड पर रखते हैं, पहले देखते हैं बॉक्स के अंदर क्या क्या आ रहा है। सिम इंजेक्टर टूलकिट है। इस फोन में 3.5 mm ऑडियो जैक नहीं है, इसलिए ये इसमें USB Type-C टू 3.5 mm जैक आता है, विच इज़ गुड। अगर आपके पास पुराने 3.5 mm के हेडफोन्स हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, सो यू कैन स्टिल हैव दोज यूजफुल अराउंड। साथ में जी इसकी बुक्स हैं जो कि ऑफकोर्स कोई भी नहीं पढ़ता। प्राइस रेंज में यूजुअली जितना आप टॉप ऑफ द लाइन जाते हैं उतने एक्सेसरीज कम हो जाती हैं, बट इन्होंने एक क्लियर केस आपको कवर दिया हुआ है जो कि इस पर काफ़ी ज़्यादा बड़ी ब्रांडिंग है, तो दिस इज कम्स अलॉन्ग विद दैट एज वेल। डिवाइस को हम एक सेकेंड साइड पर रखते हैं, लेट्स सी व्हाट्स अंडर द हुड एज वेल।
अच्छा जी, साथ में आपकी एक डेफिनेटली चार्जिंग केबल USB Type-C, अंदर इसके थोड़ा सा रेड कलर, इन्होंने रेडिश ऑरेंज, रेड ऑरेंज कलर है, ऑरेंज कलर इसमें इन्होंने थोड़ा सा सो कलर कोड किया हुआ है। साथ में जी इसके अगर आप देख सकते हैं, ये इसकी चार्जिंग ब्रिक है जो कि 33 वॉट्स की है। तो ये बॉक्स के कंटेंट्स हैं। अलर्ट जी, ये फोन इटसेल्फ, इसके ऊपर भी कुछ फीचर्स लिखे जो पहले बताएं, 64 मेगापिक्सल AI कैमरा, 140 हर्ट्ज अडैप्टिव सिंक डिस्प्ले। तो ये 144 हर्ट्ज की स्क्रीन है और अडैप्टिव सिंक डिस्प्ले का मतलब है कि ये ऑटोमेटिकली अगर आप नॉर्मल यूजेज कर रहे हैं तो ये 144 हर्ट्ज से ड्रॉप डाउन हो जाएगी, और अगर आप कोई गेम खेलें, कोई ऐसा कॉन्टेंट यूज़ करें जिसमें 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट की ज़रूरत है तो ऑटोमेटिकली उस पर चली जाएगी। ये बेसिकली बैटरी कंजम्पशन के लिए, इसमें वैसे 5000 mAh की बैटरी है, सो आई बिलीव के इट विल बी गिविंग यू गुड बैटरी लाइफ। स्नैपड्रैगन 865 का प्रोसेसर है, सो लेट्स ओपन इट अप। तो गाइस, दिस इज द फोन। पीछे से लेट मी रिमूव दिस एज वेल। जब भी आप फोन लेते हैं उसके पीछे अगर ये वाला टैग लगा हुआ है तो इसको रिमूव कर दें, बिकॉज इफ यू डोंट रिमूव इट विद टाइम इस पे निशान बन सकता है। तो ये जी, ये लूनर सिल्वर कलर है। आई हैव बीन रियली ट्राइंग हार्ड टू गेट दिस कलर। मुझे तकरीबन 15-20 दिन लगे हैं कलर अवेलेबल करने में, क्योंकि आपको पता है कि रेडमी के स्टोर पे ये चीज़ें जो हैं आउट ऑफ स्टॉक होती रहती हैं। आई डोंट नो, दिस इज़ अ बिग फोन, वेट इज़ अ बिट हैवियर, ऑलमोस्ट लाइक मुझे आईफोन 8 प्लस वाली फील आ रही है इससे। तो जी, ये फ़ोन की स्क्रीन है, दिस इज़ हैविंग अ पंच होल ऑन द लेफ्ट साइड। आप लेफ्ट साइड पे फ़ोन के देखेंगे तो टोटली फ्लैट है, सिर्फ आपको एंटीना लाइंस नज़र आ रही हैं। अगर आप फ़ोन के राइट साइड पे देखेंगे तो ये इसका पावर बटन प्लस साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है, ऊपर इसके एरो कीज जो बेसिकली इसकी वॉल्यूम रॉकर्स हैं, और ये काफ़ी बहुत ज़्यादा लोग कह रहे थे कि क्लिकी हैं, बट आई थिंक दे आर ओके, स्टर्डी हैं और इनसे कोई चीप फीलिंग तो नहीं आ रही। लेट्स हियर देम आउट। बॉटम में आप देखेंगे तो इसमें स्पीकर है, USB टाइप सी पोर्ट है, और इसमें इसका सिम ट्रे स्लॉट है। ऊपर की साइड पर देखेंगे तो आपको नॉइस कैंसिलेशन माइक और उसके अलावा IR ब्लास्टर भी मिलेगा, और इसमें ऊपर छोटा सा जो इसकी ग्रिल है, यहाँ पे एक LED लाइट भी अभी हम ऑन करेंगे देखेंगे, जो कि इस फोन में दी है। इसमें आपका ऑलवेज ऑन डिस्प्ले नहीं है। बैक साइड से देख लें, द कलर इज़ रियली ब्यूटीफुल, दिस इज़ कॉल्ड लूनर सिल्वर, और मैं इस कलर के पीछे काफ़ी दिन से पड़ा हुआ हूँ। मुझे मार्केट में ये ब्लैक कलर में ही अवेलेबल था, और इसमें इसका जो 6GB 128GB मेमोरी वाला वेरिएंट है वो मिल रहा था, ये टॉप ऑफ द लाइन नहीं मिल रहा था। इसको लेने का एक मकसद ये था कि कलर मुझे पसंद है, दूसरा इस वेरिएशन में आपके जो स्टोरेज है वो 3.1 UFS है, विच इज़ फास्टर, सो बेटर परफॉर्मेंस। पीछे आपके मी का लोगो और 5G का इसमें लोगो लगा हुआ है। उसके बाद इसमें आप कैमरा देख लें तो इसमें जैसे मैंने पहले बताया 64 मेगापिक्सल का इसमें मेन कैमरा है, जो कि काफ़ी अच्छा सेंसर है। उसके अलावा इसमें 13 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा है और 5 मेगापिक्सल का मैक्रो है। उसके बाद ये लगता है कि ये भी एक कैमरा है, लेकिन एक्चुअली ये कैमरा नहीं है, जैसे उन्होंने इसको स्लॉट को फुल किया हुआ है। नीचे आपका फ्लैश है, और दिस कलर इज़ रियली गुड। अगर आपको बहुत ज़्यादा शाइनी फ़ोन नहीं पसंद बट यू वॉन्ट दैट प्रीमियम गोरिल्ला ग्लास 5 फिनिश, तो दिस इज़ द बेस्ट कलर यू कैन हैव। ये बहुत, इट हैज़ शाइन बट ये बहुत डिसेंट लग रहा है मुझे, और जिसकी वजह से मुझे ये कलर पसंद है, एंड आई वॉज लुकिंग फॉर दिस कलर। तो लेट्स स्टार्ट द फोन अप।
चलें जब मैं क्विकली फ़ोन को सेटअप कर लेता हूँ, फिर हम इसको देखते हैं कि इंटरफेस कैसा है इसका। ऑलराइट फ्रेंड्स, अब फ़ोन मैंने सेटअप कर लिया है, तो सबसे पहले इसका लॉकिंग मैकेनिज्म देखते हैं कि इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर कितना फास्ट है। सो आई कैन से दिस इज़ प्रिटी फास्ट, और अब ये टेक्नोलॉजी इतनी कॉमन हो गई है, सो नो प्रॉब्लम्स देयर, आई थिंक दिस इज़ प्रिटी गुड। अब इस स्क्रीन का सबसे जो मेन फीचर है, अब देखें इसकी जो नोटिफिकेशन या इसका जो कंट्रोल पैनल है, वो तकरीबन एप्पल iOS से इंस्पायर्ड है, विच इज़ नॉट अ बैड थिंग। आई थिंक दिस लुक्स प्रिटी गुड। आप अगर डिस्प्ले में जाएं तो इसका रिफ्रेश रेट में जाके व्हाट यू विल सी इज़ के इट इज़ अडैप्टिव रिफ्रेश रेट। तो अगर आपकी कोई ऐप है, अगर आप नॉर्मल ब्राउजिंग कर रहे हैं या वेब पे कुछ देख रहे हैं जहां आपको ज़्यादा 144 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट नहीं चाहिए, तो ये 90 या 60 हर्ट्ज़ पे मूव हो जाएगा। अगर आप कोई कॉन्टेंट ऐसा देख रहे हैं जिसमें इसको ज़रूरत है 144 हर्ट्ज़ की, या इसको ऑप्टिमाइज लेवल पे यूज़ कर सकते हैं, तो ये वहाँ पे जाके उस लेवल पे यूज़ करेगा। इसका एक मकसद ये है कि ये आपकी बैटरी लाइफ डेफिनेटली बचाएगा, और 5000 mAh बैटरी के साथ, इस फीचर के साथ आपको बहुत अच्छी बैटरी लाइफ मिलेगी। मैं जब इसका कंप्लीट रिव्यू करूँगा इसको यूज़ करने के बाद, देन आई विल बी एबल टू टेल यू कि इसकी बैटरी लाइफ कैसी है। इस पे अब लेट्स रन Geekbench एंड सी के क्या स्कोर आता है। सो फ्रेंड्स, का Geekbench स्कोर आप देख सकते हैं, सिंगल कोर में 908 स्कोर कर रहा है और मल्टी कोर में 3339, विच इज फ्लैगशिप। सो आई एम वेरी हैप्पी विद द परफॉर्मेंस, आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी प्रीटी गुड। और आप यहाँ पे आप नहीं देख सकते, लेकिन एक्चुअल में इसका स्क्रीन रिफ्रेश रेट बहुत मज़ेदार, इट्स सो स्मूथ, बटरी स्मूथ एंड सिल्की। और 60 हर्ट्ज से मैं अब 144 हर्ट्ज को अगर कंपेयर करूँ, तो आपको देख के ही आइडिया होगा कि हाउ फास्ट द स्क्रीन इज। एक स्पीड टेस्ट भी कर लेते हैं। वाईफाई राइट नाउ, और मेरा 25 MB का कनेक्शन है PTCL का, सो आप देख सकते हैं स्पीड इज़ प्रीटी गुड, वाईफाई इज़ प्रीटी स्ट्रॉन्ग। आपको तकरीबन 23 MB की अप डाउनलोड स्पीड आ रही है और 25 MB की अपलोड स्पीड, विच इज़ प्रीटी गुड। तो अगर आप इस फ़ोन पे कोई भी कंटेंट क्रिएट करके TikTok वगैरह के लिए या किसी भी चैनल के लिए आप अपलोड करेंगे, तो इट विल बी सुपर फास्ट। सो लेट्स लॉन्च PUBG एंड सी हाउ फास्ट इट लोड्स। अब इस स्क्रीन के बारे में बात कर लेते हैं, ये IPS LCD पैनल है, लेकिन मैं AMOLED यूज़ करता रहा हूँ, सो दिस इज़ प्रीटी गुड। आई कैन डेफिनेटली टेल यू कि अनलेस आप बिल्कुल साइड बाय साइड इसको कंपेयर करें, या आप देखें कितनी क्विकली लोड होगी ये गेम। आप इसको साइड बाय साइड अगर आप AMOLED स्क्रीन साथ रख के नहीं देखेंगे बिल्कुल, और बहुत माइन्यूटली नहीं देखेंगे, तो आपको नहीं पता चलेगा कि ये AMOLED है या LCD है। इट इज़ दैट गुड, एंड मुझे काफ़ी अच्छा लगा इसका डिस्प्ले। इसका जब मैं डिटेल रिव्यू करूँगा तो इसका गेमिंग और बाकी चीज़ों का भी आपको बताऊँगा कि स्क्रीन का कैसा रिस्पॉन्स है, बट अभी तक जो मैं देख रहा हूँ दिस इज़ प्रीटी गुड। मुझे पर्सनली स्क्रीन में होल पंच जो है ना सेंटर में पसंद है, ना मुझे यहाँ पे नॉच पसंद है। ये वाली इम्प्लीमेंटेशन मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, बिकॉज यूजली स्क्रीन के इस साइड पर आप मूवी देख रहे हो, गेम खेल रहे हो, तो कोई चीज़ आपके व्यू को इंक्लूड नहीं करती, आपका व्यू ख़राब नहीं होता। तो मुझे पर्सनली ये वाला पंच होल जो है इसकी इम्प्लीमेंटेशन सबसे अच्छी लगती है। डिज़ाइन हर बंदे की अपनी चॉइस होती है, बट पर्सनली आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट इम्प्लीमेंटेशन यू कैन हैव। अच्छा जी, एक और चीज़ जो मुझे इसमें अच्छी लगी कि MIUI 12 में ब्लोटवेयर ना होने के बराबर है। इसमें सारी गूगल की ऐप्स हैं जो आप अनइंस्टॉल या डिसेबल भी कर सकते हैं, और इसमें टूल्स हैं जो कि आप यूजली यूज़ करते हैं, मतलब स्क्रीन रिकॉर्डर इज़ अ गुड टूल टू हैव, कैलकुलेटर, स्कैनर भी है इसमें, और ये मी रिमोट है जो बेसिकली IR ब्लास्टर के थ्रू आप अपने घर की अप्लाइंसेस जैसे कि TV, AC या कोई और डिवाइस जो है वो आप कंट्रोल कर सकते हैं उसको। सो दिस इज़ अ प्रीटी निफ्टी एंड यूजफुल टूल टू हैव। और अगर आपका रिमोट गुम जाए, नहीं मिल रहा, तो आप अपने फ़ोन से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें इतना ब्लोटवेयर नहीं है, विच इज़ प्रीटी गुड। रिफ्रेश रेट तो बहुत ही बिल्कुल एकदम मलाई की तरह, आई एम रियली लविंग द रिफ्रेश रेट। आप लोगों को
शायद वीडियो में आइडिया ना हो, अनलेस यू होल्ड दिस डिस्प्ले एंड यूज इट, ओनली देन यू नो के हाउ स्मूथ दिस। अब इसका ज़रा साउंड चेक करते हैं। इसमें बेसिकली नीचे भी स्पीकर है और ऊपर भी इसमें स्पीकर दिया हुआ है ताकि आपको स्टीरियो साउंड इफेक्ट आए। तो दिस इज हैविंग स्टीरियो स्पीकर विच इज प्रीटी गुड इन दिस प्राइस रेंज। अब मैं आपको इसकी साउंड क्वालिटी चेक कराता हूँ। इसके दो स्पीकर हैं, एक स्पीकर नीचे जैसे मैंने शुरू में बताया और दूसरा ऊपर। इसकी ग्रिल में भी एक स्पीकर है, सो स्टीरियो साउंड इफेक्ट आता है। सो लेट्स सी हाउ इट इज। एयरपॉड्स पैकिंग, इसमें कोई खास फीचर्स नहीं लिखे हुए, बस ये लिखा हुआ है कि इसका जो चार्जिंग केस है वो वायरलेस चार्जिंग के साथ है। हम इसको भी टेस्ट करते हैं कि ये वायरलेस चार्जिंग करता है कि नहीं। एक इसमें डिफरेंस जो ओरिजिनल और अच्छा जी, डिज़ाइन में आपने देखा कि मैंने नीचे इसके ग्रिल पे अगर आपका हाथ आ जाए सो इसका साउंड काफ़ी नीचे हो जाता है, या ऊपर अगर आपने इस तरह पकड़ा हो तो ये भी मफल हो जाता है। बट दोनों होने का फ़ायदा है कि इट्स वेरी हार्ड कि आप एक टाइम पे दोनों बंद करें। अदरवाइज इसकी साउंड क्वालिटी अच्छी है। अगर मैं इसको कंपेयर करूँ तो S9 प्लस लेवल की इसकी साउंड क्वालिटी है। इट इज़ नॉट एज गुड एज एन iPhone 12, iPhone 11 और Samsung S20, बट स्टिल इट इज़ वेरी डिसेंट फॉर द प्राइस। और इसको मैं S9 प्लस विच इज़ ऑल्सो फ्लैगशिप डिवाइस इन इट्स ओन राइट, सो उसके हिसाब से इसकी साउंड क्वालिटी अच्छ करती है। सो इट इज़ प्रीटी डिसेंट। आप इसमें बगैर किसी हेडफोन्स के भी कॉन्टेंट कंज्यूम करेंगे तो आपको मज़ा आएगा। गेमिंग कर रहे हैं आप, यूट्यूब देख रहे हैं या कोई म्यूज़िक सुन रहे हैं, सो इट विल डू अ गुड प्रीटी डिसेंट जॉब। सो इट्स गुड, आई एम हैप्पी विद द स्पीकर्स। अच्छा जी, अब इसका मेन कैमरा चेक करते हैं कि मेनली कैमरा इसका कैसे है। लेट्स ब्रिंग आउट मैंडो एंड सी हाउ इट गोज। तो जी इसकी मेन पिक्चर है, अब आप इसका रिजल्ट देख सकते हैं। आई थिंक दिस इज प्रीटी गुड फॉर, लुक एट द डिटेल ऑन दिस, ओ माय गॉड, आई एम गोइंग टू एंजॉय यूजिंग दिस कैमरा। अगर आप लोग इसका कंप्लीट कैमरा रिव्यू देखना चाहते हैं, इसकी परफॉर्मेंस पिक्चर्स में और वीडियो में, सो मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखें। सो मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगा कि मैं जल्द अज जल्द इसके कैमरे का फुल रिव्यू आपके लिए लेकर आऊँ। वैसे अगर आप ओवरऑल देखें तो इसमें पोर्ट्रेट मोड भी, उसको भी हम चेक कर लेते हैं। यार देख लें, काफ़ी अच्छा पोर्ट्रेट मोड है। ऑफ कोर्स ज़रा मैं जब इसका कैमरा रिव्यू करूँगा तो इसको मैं डिटेल में चंगी तरह चेक करूँगा। इसके अलावा इसमें बहुत सारे मोड्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। इसमें आपका अगर आप बेसिकली 64 मेगापिक्सल को कंप्रेस करता है, लेकिन आप अगर फुल 64 मेगापिक्सल भी खींचना चाह रहे हैं तो वो भी ऑप्शन इसमें है। वीडियो मोड भी है, प्रो मोड भी है, अगर आपने हर सेटिंग ISO, इसकी शटर स्पीड, सारी चीज़ें चेक करनी है, आपने अपनी सेटिंग करनी है, आप इसको प्रो मोड में यूज़ करना चाह रहे हैं, सो यू कैन यूज़ दैट एज वेल। इसका केस चढ़ा के भी देख लेते हैं। अगर आप केस के बगैर इसको रखेंगे टेबल पे, सो यू कैन सी ये बहुत ज़्यादा वॉबल कर रहा है, क्योंकि इसका कैमरा काफ़ी ज़्यादा आप देख सकते हैं प्रोट्रूड कर रहा है बाहर की तरफ। इट्स नॉट गोइंग टू बी स्टेबल, बट वेन यू पुट दिस केस ऑन, अच्छा जी ये अब इस पर केस लग गया। जब आप इसको टेबल पे रखेंगे तो इसकी वो जो हिलना जुलना है काफ़ी कम हो जाएगा, लेकिन सिंस इट इज स्टिल देयर, बट ये कैमरे को एक हद तक कवर कर लेता है। और इसमें हल्की सी अगर आप देखें कि ये भी प्रोटेक्शन है कि जब आप इसको टेबल पे रखेंगे आपका जो लेंस है वो टच नहीं होगा किसी सरफेस से। उसके अलावा इसकी जो स्क्रीन प्रोटेक्टर है, जो कि इन्होंने कहा जी एंटी बैक्टीरियल है, बट मैं आपको बता दूँ कि वो बहुत पतली सी लेयर है, इट इज़ नॉट अ प्रॉपर यू नो
टेम्पर्ड ग्लास, सो मैं डेफिनेटली रेकमेंड करूँगा कि आप इसकी जगह जाके जब फ़ोन लेते हैं तो इसके ऊपर प्रॉपर टेम्पर्ड ग्लास लगाएं ताकि आपकी फ़ोन की प्रॉपर प्रोटेक्शन हो। और सिंस ये एक फ्लैट स्क्रीन है, कहीं से कर्व वगैरह नहीं है इसके डिज़ाइन में, आपको अच्छा प्रोटेक्टर मिल जाएगा जिसको ओवरऑल कवरेज देगा। अच्छा जी, अब इसकी सिम ट्रे देखते हैं। ड्यूल सिम फोन है ये, आप देख सकते हैं इसमें दो सिम्स हैं और इसमें नैनो सिम डलती है। लेट मी फोकस दैट फॉर यू। इसमें मेमोरी कार्ड का स्लॉट नहीं, लेकिन ये 128 GB के साथ आ रहा है विद क्लाउड स्टोरेज। दिस इज़ प्रिटी मच व्हाट यू नीड। उसके बाद अब आप ये देख लें कि इसमें इन्होंने, इसमें कहीं वाटर रेजिस्टेंस का जिक्र नहीं है, लेकिन इन्होंने ये प्लास्टिक का कवर जो है सिम ट्रे टूल के ऊपर लगाया, सो इट इज़ गुड टू सी यहाँ पे हमें कुछ वाटर प्रोटेक्शन मिल रही है। अभी आप देख सकते हैं कि इसकी चार्जिंग कितनी फास्ट हो रही थी, सो दिस इज प्रीटी ऑसम। तो दोस्तों ये थे मेरे फर्स्ट इंप्रेशन अनबॉक्सिंग ऑफ मी 10T। I think the only catch on this phone personally I think is the screen, जो कि काफ़ी सारे लोगों को माइट बी बाइंग डिसीजन में टर्न ऑफ कर सकती है, बट मैं आपको अपने यूजर से बता रहा हूँ कि द 144Hz पैनल और द क्वालिटी ऑफ दिस LCD इज रियली गुड। अनलेस कि आप इसको बिल्कुल साथ रख के कंपेयर ना करें किसी और सिंपल AMOLED के साथ, तो आपको डे टू डे यूजेज में पता भी नहीं चलेगा। और इसकी जो स्क्रीन की 144Hz का रिफ्रेश रेट है वो मोर देन इनफ उसको कवर करता है कि ये सुपर एमलेट नहीं है। और आपका अगर आप गेमिंग करना चाह रहे हैं तो दिस इज़ रियली गोइंग टू चेंज योर एक्सपीरियंस। उसके अलावा आई थिंक इसमें जो प्रोसेसर लगा हुआ है, जो इसमें ओवरऑल चीज़ें सारी लगी हुई हैं, इंटरनल्स हैं, वो रियली पावरफुल हैं। कैमरा भी फर्स्ट इंप्रेशन में मुझे बहुत अच्छा लगा। ऑफकोर्स मैं अपनी सिम इसमें डाल रहा हूँ और मैं इसको प्रॉपरली यूज़ करूँगा, और उसके बाद मैं आपको इसका फुल रिव्यू लेकर आऊँगा जिसमें इसके कैमरे के बारे में बात होगी डिटेल में और इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में भी बात होगी। अगर आप लोग ये फ़ोन लेना चाह रहे हैं तो मुझे बताएं, आई एम इंटरेस्टेड टू नो कि आपको ये कलर पसंद है लूनर सिल्वर या आप लोग ब्लैक कलर लेंगे, सो कमेंट से मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन इधर है उसको भी प्यार से रगड़ दें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। खासकर इसका जो रिव्यू जब आएगा तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद है आपको आज का शो अच्छा लगा। प्लैनेट जिप्स की तरफ से अल्लाह हाफिज़।